गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट, बुक नेम है मधुबन। टुडे डेट इज 17/7/2020। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समर वेकेशन एंजॉय किया होगा और उसके साथ साथ अपने जो प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था उसका रिवीजन भी किया होगा। स्टूडेंट, हिंदी फर्स्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया हुआ, कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 2 न्यू की ईंट, आपका चैप्टर 2 चल रहा था जिसमें कि रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, जो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज आप लोगों की बुक वर्क पूरा कंप्लीट हो गया था, कुछ भी नहीं रह गया था। मैं और जो सारा मैंने फिल करा दिया था आपको, और ज्ञान बोध आपको दिया था पिक्चर में, यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए। स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों के चैप्टर पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर बचे हुए थे जो आज हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं स्टूडेंट, मैंने कॉपी में आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन किए हैं, वो आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, फेयर कॉपी में ही सभी को करना है, किसी को रफ कॉपी में नहीं करना है। और पर रोज का काम आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, नीव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर नंबर 1, नीव की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ जाती है और इमारत को, स्टूडेंट यहाँ पर को है, इमारत को मजबूती प्रदान करती है। तथा कंगूरे की ईंट इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब चैप्टर की रीडिंग की होगी तो आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। उसमें क्या है, किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए जो उसकी नींव रखी जाती है, वो तो जब कोई इमारत खड़ी हो जाती है तो लोग उसकी नींव की ईंट की प्रशंसा नहीं करते, उसकी बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। जैसे उसके आगे का, जैसे आप बिल्डिंग बनी होती है तो जो कंगूरे निकले होते हैं उसकी, तो उसी चीज के लिए बताया गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दुनिया क्या देखती है? वही चीज है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो दुनिया क्या देखती है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है दुनिया क्या देखती है। तो दुनिया क्या देखती है, दुनिया चमक दमक देखती है और ऊपर का आवरण देखती है। किसी भी चीज की जो दुनिया होती है, जो दुनिया में लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, जो किसी भी चीज की होती है बाहरी सुंदरता देखते हैं, उसमें चमक कितनी है, बाहरी आवरण देखते हैं, उसके जो उसकी मजबूती है, जो उसके नीचे उसकी नींव है, उसकी प्रशंसा कोई भी नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्या है सेकंड का आंसर, दुनिया चमक दमक देखती है और ऊपर का आवरण देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नींव की ईंट ने अपने लिए अंधकूप क्यों कबूल किया? जो नींव की ईंट है, जो नींव में ईंट लग जाती है, उसने अपने अपने लिए अंधकूप क्यों कबूल किया, पूछा गया है। क्या है, नींव की ईंट ने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे और सुनहरी रोशनी मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, जो ईंट नींव में दब जाती है तो वो क्यों, वो एक बलिदान दे देती है जैसा कि, ठीक है, किसके लिए, जो उसकी बाहरी सुंदरता और जो उसके ऊपर लगे होते हैं उसके साथी, जो और उसके साथी जो ईंट होते हैं उनको क्या, स्वस्थ हवा मिलती रहे और रोशनी मिलती रहे। ओके फ्रेंड, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और क्लीन दिख रहा होगा। आप लोगों को भी क्लीन साफ साफ अपनी कॉपी में लिखना है। पहले आप हेडिंग डालोगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर क्वेश्चन लिखोगे और फिर आंसर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपके 3 क्वेश्चन आज मैंने आपको राइट करवाए हैं और 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कल कराएंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।